हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नए ट्विस्ट के साथ बर्गर। इसमें हम मैगी को भी ऐड करेंगे, साथ ही हम आलू टिक्की को भी ऐड करेंगे, तो इससे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। जब भी आपको भूख लगे या ब्रेकफास्ट में कुछ बनाना हो तो ये बर्गर बना करके तैयार करिए। सबसे पहले हम टिक्की बना करके तैयार करेंगे, जिसके लिए 4 मीडियम साइज के आलू को बॉयल करके मैश कर लिया है। अब यहाँ हम 3 स्पून बेसन ऐड कर देंगे। बेसन ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहे तो यहाँ पालक को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। यकीन मानिए, ये बर्गर बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हींग। हींग से इसका फ्लेवर बढ़िया बनेगा और टेस्ट भी डबल हो जाएगा। हींग ऐड करने के बाद क्रश करके अजवाइन को ऐड कर दें। इसके बाद घर पर बनाया हुआ चाट मसाला ऐड करेंगे और इसी के साथ ऐड कर देंगे काली मिर्च पाउडर। इसके बाद हम साबुत धनिया लेंगे, इसे बेलन की मदद से क्रश कर देंगे और ऐड कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ इसे स्किप करके कोरिएंडर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे पिज्ज़ा सीजनिंग्स। इससे टिक्की के अंदर काफ़ी बढ़िया फ्लेवर आएगा और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। जैसे ये अच्छे से मिल जाती है, हम इसकी छोटी छोटी लोइयां निकालेंगे और इसे गोल टिक्की की शेप देकर चपटा करेंगे। अब इसे कॉर्नफ्लोर में कोट करेंगे। आप चाहे तो यहाँ ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं और गर्म तेल में इसे डाल देंगे। इसी तरीके से हम सभी आलू के मिक्सचर की टिक्की बना करके तैयार कर लेंगे। अब इसे हम अच्छे से पलट पलट कर पका लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे ताकि इनका कलर बिल्कुल बढ़िया निकल कर आए। अब इसे हम पलट देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखने से इसके अंदर कलर काफ़ी बढ़िया आएगा। अब हम तैयार करेंगे मैगी। मैगी हम एक नए ट्विस्ट के साथ बनाएंगे, जिसके लिए हम एक सॉस पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहे तो घी बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा गर्म हो, हम इसके अंदर जीरा ऐड कर देंगे थोड़ा सा। साथ ही ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता। ये जो कड़ी पत्ता है हमारे गार्डन से ली गई है। मेरी मम्मी ने गार्डन के अंदर काफ़ी कुछ उगा रखा है, कभी उसकी सेपरेट वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगी। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी और हम यहाँ पर यप्पी मैगी बनाएंगे। आप चाहे तो 2 मिनट वाली मैगी भी बना सकते हैं। यप्पी मैगी में मसाला होता है तो काफ़ी अच्छा टेस्ट हमारे बर्गर में आएगा, इसीलिए आप यप्पी मैगी ही बनाएं। हम यहाँ पर 3 यप्पी मैगी बना रहे हैं। इसे उबलते हुए पानी में ऐड कर देंगे और साथ ही ऊपर से इसका मसाला भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला दें। ढक लगा कर इसे 2 मिनट के लिए पकने दें। ध्यान रहे, हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है। 2 मिनट के बाद हमारी मैगी बन करके तैयार है। गैस की फ्लेम से इसे हटाएंगे, ठंडा होने देंगे। अब इसके बाद हम 1 खीरा प्याज टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। जितना फाइन हो सकता है आप उतना बारीक कट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सॉस पैन के अंदर घी को ऐड करेंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए, हम इसके अंदर बर्गर ब्रेड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम सफ़ेद तिल वाली बर्गर ब्रेड का यूज़ कर रहे हैं। इन्हें अच्छे से पकाएंगे, फ्लेम को मीडियम ही रखें, दोनों तरफ से अच्छे से पका लें और अब इसे रेडी करते हैं। सबसे पहले हम इस पर लगाएंगे मोमोज के लिए बनाई हुई चटनी। जिसने हमारी मोमोज की वीडियो देखी है, उसे पता होगा ये चटनी हमने कैसे बनाई है। आप चाहे तो यहाँ पर टमाटो सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मम्मी ने इसके ऊपर हरा धनिया भी डाल ही दिया है। ये देखिए, 4 आलू से हमने इतनी सारी टिक्की बना करके तैयार कर ली है। अब इस आलू टिक्की को भी हम बर्गर के ब्रेड पर रख देंगे और इसके बाद इस पर हम ऐड करेंगे कटे हुए प्याज। जितना आपको पसंद हो आप उतना प्याज इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ककुम्बर को भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने 3 खीरे की स्लाइस को इसके ऊपर रख दिया है। अब इसके बाद टमाटर की स्लाइस को भी इस पर ऐड कर देंगे। आपको जितनी क्वांटिटी में टमाटर खीरा पसंद हो आप उतना इसके ऊपर रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे मैगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और उन्हें आलू टिक्की पसंद नहीं है तो आप मैगी से भी बर्गर बना सकते हैं। टिक्की को हटा दीजिए।
दोनों बर्गर ब्रेड पर हम मैगी को ऐड कर देंगे। इसके बाद एक बार फिर से इसके ऊपर सॉस लगा देंगे। एक बार फिर आप इसके ऊपर टमाटो सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ मेयोनीज का भी यूज़ कर सकते हैं। और लो, अब इसके ऊपर भी फिर से मम्मी ने धनिया ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर हम पत्ता गोभी का पत्ता रख देंगे। आप चाहे तो यहाँ लेटस लीफ का भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास वो नहीं थी इसीलिए हमने पत्ता गोभी का ही यूज़ कर लिया। इसके ऊपर इसकी दूसरी ब्रेड ऊपर से रख देंगे। और इसे बिखरने से बचाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप टूथपिक वाली स्टिक लगा दीजिए, ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। हमारा बर्गर बन करके तैयार है। घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताना ना भूलें आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू।